नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे रुक जाना नई योजना के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रुक जाना योजना नई क्या है और इसके फॉर्म फिल होना कब से शुरू होंगे और आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं या फिर आपके पास में कोई MP ऑनलाइन का साइबर कैफ़े है तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और इसका टाइम टेबल भी आपको देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि रुक जाना नई योजना क्या है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने स्टूडेंट्स के हित में बड़ा फैसला लेते हुए एक नई योजना रुक जाना नहीं शुरू की है। इस योजना को शुरू करने के साथ ही राज्य सरकार ने स्टूडेंट्स को विश्वास दिलाया है कि वे अकेले नहीं हैं बल्कि सरकार उनके साथ हर कदम पर खड़ी है। रुक जाना नई योजना के तहत सत्र 2019-20 की परीक्षा में 10वीं और 12वीं के फेल स्टूडेंट्स को एक बार फिर से परीक्षा देकर पास होकर आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट पहले ही जारी कर चुका है। अब कक्षा 12वीं का रिजल्ट जो कि 27 जुलाई को दोपहर 3 बजे जारी किया गया था। मध्य प्रदेश 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में फेल होने वाले छात्र दोबारा से परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स को परीक्षा के लिए खुद को रजिस्टर कराना होगा और परीक्षा की फीस भी जमा करनी होगी। इसके बाद पुनः परीक्षा आपकी 17 अगस्त से शुरू की जाएंगी। तो अब बात कर लेते हैं कि आप इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, आप कब तक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा ट्वीट किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की 2020 परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी निराश ना हो उनके लिए रुक जाना नहीं योजना लागू की गई है। इस योजना में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पुनः परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। अब जो आप आवेदन की अंतिम तिथि है वो कक्षा 10वीं के लिए 28 जुलाई रखी गई है क्योंकि कक्षा 10वीं का रिजल्ट 4 जुलाई को घोषित कर दिया था और इसकी जो आवेदन की डेट थी वो 4 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक थी और कक्षा 12वीं का रिजल्ट 27 जुलाई को दोपहर 3 बजे घोषित कर दिया था। तो कक्षा 12वीं का जो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं वो 27 से लेकर 5 अगस्त तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं टाइम टेबल बता देता हूँ कि क्लास 10th का ये टाइम टेबल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जो आपका पहला पेपर होगा मंडे को 17 तारीख से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। पहला पेपर आपका लैंग्वेज का होगा जैसे कि उर्दू, संस्कृत, जनरल उर्दू, मराठी, हिंदी भाषा। और जो 18 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर होगा, क्लास 10th के लिए है ये टाइम टेबल। और 19 को होगा आपका सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। और 20 तारीख को होगा आपका थर्सडे को अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, स्पेशल हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, आप देख सकते हैं। और 21 को होगा मींस फ्राइडे शुक्रवार को जनरल लैंग्वेज इंग्लिश का। 24 तारीख को सोमवार को आपका साइंस का पेपर होगा, विज्ञान का। 7th पेपर होगा वो आपका 25 तारीख को होगा मंगलवार को जनरल लैंग्वेज हिंदी का। और जो आपका 26 तारीख को पेपर होगा वो आप देख सकते हैं NSQF, IT सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स। ये था क्लास 10th का टाइम टेबल। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं क्लास 12th का टाइम टेबल। तो आप क्लास 12th का टाइम टेबल देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके भी 17 तारीख से पेपर शुरू होंगे। 17 तारीख को इसका यानी कि सोमवार को फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, एंटोनॉमी, साइकोलॉजी एंड हेल्थ, VOC, स्टिल लाइफ एंड डिज़ाइन। और जो 18 तारीख यानी कि ट्यूसडे को मंगलवार को संस्कृत का पेपर होगा। 19 तारीख को मींस बुधवार वेनसडे को हिस्ट्री, फिजिक्स, बिजनेस स्टडीज़, मैथ्स का होगा, एलिमेंट ऑफ साइंस, एग्रीकल्चर, होम मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल। अब 20 तारीख को होगा आपका मींस थर्सडे को गुरुवार को आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब 21 तारीख को शुक्रवार को आपका सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एग्रीकल्चर, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप, VOC। 24 तारीख यानी कि सोमवार को
नीचे डिस्क्रिप्शन में इस टाइम टेबल की लिंक दी हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और 24 तारीख यानी कि सोमवार को आपका पॉलिटिकल साइंस मींस राजनीति शास्त्र, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एलिमेंट ऑफ साइंस, VOC बिजनेस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ऑफ एन इंडियन आर्ट। अब 25 तारीख को ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार को आपका बायोलॉजी का होगा, बायोटेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ड्राइंग एंड डिज़ाइन, VOC। अब जो 26 तारीख को होगा आपका बुधवार को, आप देख सकते हैं इंग्लिश, संस्कृत, मराठी, उर्दू, जो आपकी लैंग्वेजेस रहती हैं सेकंड लैंग्वेज उनका होगा, ठीक है। अब 27 तारीख को थर्सडे यानी कि गुरुवार को आपका स्पेशल लैंग्वेज हिंदी, स्पेशल लैंग्वेज इंग्लिश, उर्दू, स्पेशल लैंग्वेज का पेपर होगा 27 तारीख को। अब 28 तारीख को फ्राइडे शुक्रवार को आपका मैथ्स का होगा, गणित का, NSQ, IIT, सिक्योरिटी। और लास्ट पेपर जो आपका रहेगा वो 31 तारीख को रहेगा, मंडे को, सोमवार को, वो आपका रहेगा इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस और एंड इंडियन म्यूज़िक, ये आपका लास्ट एग्ज़ाम रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो अभी जिनको सप्ली आ गई है या फिर फेल हो गए हैं।